हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजुम फैशन पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में फ्रिल्स और इलास्टिक के साथ स्लीव्स का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। 15 इंचेस मैंने इसकी लेंथ रखी हुई है और 8 इंचेस इसकी मोटी मैंने रखी हुई है। तो अब मैंने यहाँ पर 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी ले ली है। इसे मैं इस तरह से साइडों से बारीक सिलाई के साथ फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे मैं इसे पट्टी को दोनों साइडों से बारीक सिलाई के साथ फोल्ड कर लूँगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो यहाँ पे एक साइड से मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से इतना सा ही कपड़ा फोल्ड करके मैं इस पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लिया है दोनों तरफ से। अब इस पट्टी को मैं इस तरह से रखूँगी और इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से सिलाई चलाते हुए इसके ऊपर मैं इस तरह से इंग्लिंग की वजह से फ्रिल्स बना लूँगी अच्छे से। तो ये फ्रिल्स मैंने तैयार कर लिए हैं इस तरह से इस पूरी पट्टी के ऊपर। ये देखें, तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद मैंने स्लीव्स वाले फैब्रिक को ले लेना है। तो इसे मैं एक पैर का मार्जिन लेते हुए फ्रंट से इस तरह से फोल्ड कर लूँगी, सिलाई लगा लूँगी इसके ऊपर। यहाँ पे आप सिलाई लगाने के बजाय आप यहाँ पे प्रेस से भी इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे इलास्टिक ले लिया। जितना चौड़ा हमारा इलास्टिक है उतने ही कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से ये कपड़े को मैंने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब मैं इसके में इलास्टिक को इंसर्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच का इलास्टिक का पीस लिया है। इस तरह से पिन की मदद से मैं इलास्टिक इसके अंदर इंसर्ट कर लूँगी। तो पिन की मदद से आसानी से इसमें इलास्टिक इंसर्ट हो जाएगा। तो ये मैं इसमें इस तरह से लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, इलास्टिक इसमें मैंने लगा लिया है। अब मैं साइडों पे यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी दोनों तरफ से। देखें, इसी तरह से दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। ये इलास्टिक इसमें बिल्कुल फिट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं स्लीव्स के सेंटर में जो क्रीज बनी है इसके ऊपर मैं फ्रिल को अटैच करूँगी। तो इस तरह से फ्रिल्स को मैं इस तरह से रखती जाऊंगी और अच्छे से सेट करके बिल्कुल सेंटर में इसे सीधा सीधा मैं स्टिच कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसे भी अच्छी तरह से स्टिच कर लिया है स्लीव्स के ऊपर। तो अब हमारा ये स्लीव्स का डिज़ाइन अब रेडी हो चुका है फ्रिल्स और इलास्टिक के साथ। देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये डिज़ाइन बनके रेडी हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें, सिलाई लगा के मैंने इसे सीधा कर लिया है। तो इस तरह से हमारा ये बन के रेडी हो चुका है स्लीव्स का डिज़ाइन। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।